हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन 21 कस्तूरबा विद्यालय से शिक्षकों की वैकेंसी निकाली गई है। बिना परीक्षा के आप यहां शिक्षक बन सकते हैं। वेतन यहां पर जो है 22,000 पर मंथ मिलेगा, साथ में आवास की सुविधा भी जो है यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि ये एक आवासीय विद्यालय है। तो चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में, बाकी सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। कैसे अप्लाई करना है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या कही गई है। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, सबसे एक एडवर्टीजमेंट में 12 कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय से वैकेंसी है। देन दूसरा जो विज्ञापन है उसमें 9 आवासीय कस्तूरबा विद्यालय से वैकेंसी जारी की गई है। एक की लास्ट डेट जो है वो 16 जनवरी है और दूसरे की जो लास्ट डेट है वो 25 जनवरी 2024 है। तो ये जो विज्ञापन जारी हुआ है, ये झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू से ये वैकेंसी आई है। यहाँ पर बिना परीक्षा के आप शिक्षक बन सकते हैं, कोई एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है इसी विज्ञापन को देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे। वैकेंसी है झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू से। 6 से लेकर 8 तक के टीचर्स कि यहाँ पर आवश्यकता है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला वर्ग, फिजिकल एजुकेशन टीचर की एक वैकेंसी है और अनरिजर्व कैटेगरी की है ये भी। उसके बाद जो है पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा, हिंदी और इंग्लिश दोनों, वैकेंसी की संख्या 4 है। गणित की 2 है, विज्ञान में 1 है और सामाजिक विज्ञान में 3 वैकेंसी हैं। कुल जो है वो 10 है वैकेंसी की संख्या। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। अगर आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में जो है बीएड भी जो है यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, बीएड भी जो है आपका होना चाहिए। अगर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा है तो वो भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ जो है यहाँ पर लिखी गई है, यानी बीएड वाले, डीएड वाले, बीटीसी वाले वो भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर कि क्लास 6 से 8 को पढ़ाने के लिए जेटेट, झारखंड टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय प्रखंड पीपरा में क्रम संख्या 1 हेतु टेट अनिवार्य नहीं है। तो 1 में हमने देखा था कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जरूरत है, तो वहाँ पर जो है टेट नहीं चाहिए, ठीक है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 साल का जो है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट है, 15,840 आप लोगों को दिए जाएंगे। उसके बाद 3 साल की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने के बाद प्रति माह 50% की वृद्धि दे होगी, यानी 22-23 हज़ार जो है आप लोगों की सैलरी यहाँ पर हो जाती है और हर साल जो है वो सैलरी में वृद्धि की जाएगी। उम्र यहाँ पर है न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, अधिकतम उम्र 38 वर्ष। फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरी अनरिजर्व है, EWS, BC, BC2, तो इसके लिए जो है वो 38 ईयर रखी गई है। SC ST अगर फीमेल की हैं तो 40 वर्ष और PWD जो है यहाँ पर 10 साल। तो यहाँ पर जो है पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई तब ही कर पाएंगे क्वालिफिकेशन होने के बावजूद अगर उनके पास झारखंड टेट है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है टेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी जो है कैसे अप्लाई करना है इस विद्यालय के लिए, झारखंड शिक्षा परियोजना पलामू के लिए, तो यहाँ पर आप देखें 25 जनवरी 2024 से पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म और अपने साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, उनकी फोटोकॉपी आप लोगों को लगानी है और एड्रेस पर भेज देनी है बाय पोस्ट। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय, ब्लॉक सी, कमरा संख्या 9, पिन 822101, पलामू, ठीक है। ये एड्रेस रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। नीचे थोड़ा सा आएंगे आप नोटिफिकेशन के नीचे, ये देखिए झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो है हम दूसरी वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जहां 9 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी आई है। पहले जो है विज्ञापन जब जारी किया गया था तो 16 जनवरी लास्ट डेट थी, लेकिन अब जो है डेट बढ़ा दी गई है। यहां पर आप नीचे देख सकते हैं,
आप लोगों को मैं अभी दिखा देती हूँ कि डेट जो बढ़ाई गई है, यहाँ पर देखें 25 जनवरी 2023 की शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो 25 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। तो इसमें जो है सब्जेक्ट देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कौन कौन आवेदन कर सकता है। ये जो वैकेंसी है कहाँ से आई है, झारखंड शिक्षा परियोजना साहिबगंज से ये वैकेंसी आई है। पूर्णकालिक शिक्षिका भाषा में 2 वैकेंसी है, गणित में 4 है, विज्ञान में 3 है, सामाजिक विज्ञान में 2 है, और लेखापाल और सह कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है। कुल 13 वैकेंसी है। ये जो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है तो इसकी सूचना मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहले भी दी है। इसकी डेट जो है वो अब आगे बढ़ा दी है। तो ऐसे कैंडिडेट जो पहले नहीं कर पाए और करना चाहते थे तो बिल्कुल आवेदन करें। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में अपने डॉक्यूमेंट आप लोगों को 25 जनवरी से पहले भेज देना होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना साहिबगंज। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जरूर आप लिखें। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल वही रहेगी, यहाँ पर स्नातक होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के प्राप्तांक आपके इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, साथ में जो है वो बीएड भी होनी चाहिए। और साथ में जो है यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा टैट जो है वो अनिवार्य है, और झारखंड टैट जो है यहाँ पर मांगा गया है। बट मुझे लगता है कि ये डेट जो है इनको फिर से बढ़ानी पड़ेगी, फिर से तीसरी बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है झारखंड सरकार के द्वारा कई सालों से जो है टैट ही आयोजित नहीं करवाया गया है। तो हो सकता है यहाँ पर बाहरी राज्यों के कैंडिडेट जिन्होंने अपने राज्य का टैट क्लियर किया हुआ है उनको यहाँ पर मौका मिल जाए। जैसे ही अगर नया नोटिफिकेशन जारी होता है आप लोगों तक सूचना बिल्कुल वीडियो के माध्यम से पहुँचाई जाएगी, क्योंकि पहले सीटें फिल नहीं हुई हैं तो दोबारा से ये विज्ञापन आ गया है। ठीक है, साइंस टीचर्स की जो है यहाँ पर जनरल की 2 सीट है, एसटी की 1 है, सामाजिक विज्ञान में जनरल की 2 सीटें हैं। और वेतन आप लोगों को मैंने बता दिया है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होगी उसको आगे बढ़ाते जाएंगे आपके अच्छे काम करने पर। आयु 21 से लेकर 35 वर्ष है। फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 38 साल है, एससी एसटी 40 साल है। ठीक है, तो इसमें भी जो है नीचे आप आएंगे तो आवेदन पत्र का प्रारूप आपको थोड़ा इस टाइप से दिखेगा। इसे ही जो है आप लोगों को डाउनलोड करके फिल करके और दिए गए एड्रेस पर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके साथ में भेज देना है। अभी फीस जो है आपकी यहाँ पर नहीं लग रही है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं है। तो यहाँ पर सिलेक्शन मेरिट के आधार पर होगा। आपके जितने भी मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में, बीएड में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके आधार पर ही रहेगा। तो जैसे ही और भी राज्य की वैकेंसी आती है बिल्कुल आप लोगों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। रेगुलर रहें। थैंक यू।